दूसरा स्टॉक है रेमंड। रेमंड का अगर चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट पे पैटर्न बना है जिसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, और उसके हिसाब से सेलिंग जो बनती है उसमें 894 के नीचे सेल बनता था। हमने भी इसमें पोजीशन शॉर्ट बनाई हुई है। एक्सएल थोड़ा बड़ा है 962 का, क्योंकि डेली चार्ट का भी पैटर्न बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है वो 815 रुपए के आसपास मुझे लग रहा है रेमंड आना चाहिए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पैटर्न है। अगर मैं भी बात करूं तो जो पैटर्न बन रहे हैं वो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रहे हैं, वो बड़े टाइम फ्रेम पे डेली वीकली चार्ट पे ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि रेमंड भी नीचे आ सकता है। इसमें भी एक बिकवाली मुझे लग रही है। एक स्टॉक और है क्यूमिंस इंडिया, मैं दिखा देता हूँ। रेमंड में टारगेट्स कहाँ तक देख रहे हैं? 815 तक के टारगेट्स, ठीक है। और बात वही है, मुझे जो समझ में आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि करीब करीब सभी में जिस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं तो थोड़ा सा शायद समय ज्यादा लग सकता है। तो हर चीज, ये ज्यादातर इंट्राडे की बात नहीं हो रही है, हो सकता है 2-3 दिन या हफ्ता भर लग सकता है, ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंड करता है ना टाइम फ्रेम क्या है। अगर टाइम फ्रेम डेली का वीकली का रहेगा तो फिर टारगेट्स आने में और स्टॉप लॉस आने में भी टाइम लगता है। हाँ, अगर हम वही 30 मिनट अवर्ली का चार्ट देखते हैं तो टारगेट्स और जल्दी आ जाते हैं, बट क्या है ना कि अभी थोड़े टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई पैटर्न्स दिखाई नहीं देते हैं तो फिर हमें बड़े टाइम फ्रेम की तरफ ही जाना पड़ता है, क्योंकि जबरदस्ती का ट्रेड करना भी मेरे को लगता नहीं है कोई उचित काम है। मतलब मेरे हिसाब से तो कंफर्मेशन के बाद ही काम करें। जैसे अभी कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक में तेजी आई है। रीजन उसका क्या था, वर्ली चार्ट पे इसमें बुलिश आरआईबी पैटर्न बना था जो कि 235 के ऊपर बुलिश था और अभी हाई लग गया इसका 238 का। तो ये जो पैटर्न है कैनरा बैंक में बना हुआ है वो ऐसा पैटर्न कहीं और दिखाई नहीं दे रहा। सारे चार्ट हमने देख लिए बट ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे भी ओवरऑल मार्केट अगर मैं बात करूं थोड़ा सा बेरिश ही लग रहा है। कुछ चार्ट्स मैंने देखे हैं जो कि सेलिंग इंडिकेशन दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक बार निफ्टी भी मुझे लग रहा है 17,100 तक आना चाहिए।